तो क्या हाल चाल है दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप iPhone 13 में कैसे स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं, यानी कि पासकोड कैसे आप लगा सकते हैं। इसके लिए क्या करना, आपको जाना है अपने आईफोन की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जैसे जाएंगे तो आपको नीचे जाना है, नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फेस आईडी एंड पासकोड, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है, थोड़े से नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टर्न पासकोड ऑन, तो आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आप 6 नंबर का जो है पासकोड डाल सकते हैं। अगर आपको और कोई ऑप्शन चुनना है तो इस पे आप क्लिक करेंगे पासकोड ऑप्शन पे, और 4 डिजिट वाला आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम वाला करना है ABCD वाला, तो आप पासकोड ऑप्शन पे जाएंगे, कस्टम वाले पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद 6 अंक वाला करना है तो आप यहाँ पे 6 नंबर डिजिट नंबर वाले पे क्लिक करके आप यहाँ पर पासकोड डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पासकोड डालने के बाद यहाँ पर आपको यूज एनीवेयर पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से पूछेगा तो दोबारा से भी आपको सेम इसी तरीके से वही कंफर्म कर देना है, और आपको थोड़ी देर में पासवर्ड यहाँ पे लग जाएगा। अभी कह रहा है एप्पल आईडी का पासवर्ड मांग रहा है, तो अगर आपको मांगता है एप्पल आईडी का पासवर्ड तो आपको डाल देना है, अदरवाइज कोई बात ही नहीं। तो एप्पल आईडी का पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, उसके बाद साइन इन इसको कर देता हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि मेरा पासवर्ड लगा है या नहीं लगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पासवर्ड लग चुका है। अब मैं यहाँ से खोलता हूँ तो इस तरीके से पासवर्ड मेरा खुल जाता है। तो इस प्रकार से आप पासवर्ड लगा सकते हैं अपने iPhone 13 में। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस, बाय।